हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। फ्रेंड, जैसे हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं अपने कपड़े धोबी से धुलवाता हूँ, या फिर आप सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं अपने बाल हबीब सलून में कटवाता हूँ, या फिर सेंटेंस आप फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं अपना कमरा नौकर से साफ करवाता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को करने के लिए फ्रेंड्स कुछ हम लोगों को एक स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, लेट्स गेट गोइंग। कुछ सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है, मैं अपने बाल हबीब सलून में कटवाता हूँ। तो इसके लिए इंग्लिश हम लोग क्या बोलेंगे? इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग इंग्लिश बोलेंगे आई गेट माई हेयर कट एट हबीब सलून। अगर फ्रेंड्स आप इस सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं कि आई कट माई हेयर एट हबीब सलून, का मतलब फिर हो जाएगा कि मैं अपने बाल हबीब सलून में काटता हूँ। या फिर आपने कहा कि आई वॉश माई रूम या आई क्लीन माई रूम, तो मैं अपने कमरा खुद साफ करता हूँ। लेकिन आपको बोलना है कि मैं अपना कमरा नौकर से साफ करवाता हूँ, तो आपको इंग्लिश बोलना है आई गेट माई रूम क्लीन बाय द सर्वेंट। या फिर आपको फ्रेंड अगर सेंटेंस बोलना है कि मैं अपने कपड़े धोबी से धुलवाता हूँ, तो आपको बोलना है इंग्लिश आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। तो इस तरह के सेंटेंस करने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों को जरूरत पड़ेगी गेट, जिसे हम लोग पॉजिटिव वर्ब कहते हैं ग्रामर के हिसाब से। तो पहले देखते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट यूज करना है यहाँ पे हम लोगों को, उसके बाद गेट यूज करना है, गेट के बाद somebody और something। फ्रेंड समबडी का मतलब सम पर्सन्स, किसी आदमी के बारे में जिसके लिए कुछ काम करवा रहे हैं आप, एंड देन या फिर समथिंग कुछ भी कोई जो काम आप करवा रहे हैं, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स ऐसे अगर हम देखें तो गेट और समबडी समथिंग, गेट को यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वर्ब कहते हैं ग्रामर में। क्या गेट इज कॉल्ड हियर पॉजिटिव वर्ब, गेट को हम लोग पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। और जब गेट को एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं, तो फिर हम लोगों को हमेशा आगे वर्ब की जो फॉर्म है थर्ड फॉर्म यूज करना है, एंड देन उसके बाद आगे बाई समबड़ी किसी के द्वारा भी, ठीक है। अगर आपको बाय नहीं यूज करना है तो दैट्स ऑल राइट, ठीक है। आप यहाँ से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट को हम चेंज कर सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद गेट को किस में कर लेंगे, गेट्स एस या एस ऐड करेंगे, समबडी समथिंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स गेट को चाहे आप किसी भी फॉर्म में चेंज करें, लेकिन आगे वर्ब की जो फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म ही होती है, एंड देन बाय और किसी के द्वारा, जिसके द्वारा भी आप काम कर रहे हैं करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई करवाने वाला है काम है, एंड देन गेट यूज करना है, फिर उसके बाद समबडी समथिंग यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और किसके द्वारा, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई काम एक पर्सन है, अगर किसी के लिए कोई काम करवा रहा है तो वो दूसरा पर्सन हो गया, और जिसके द्वारा करवा रहे हैं तीसरा पर्सन है, मतलब थ्री लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। अगर एक्शन है तो कम से कम दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मैं अपने बाल हबीब सलून में कटवाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई और उसके बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, कटवाता हूँ। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो मैंने यहाँ पे यूज करा कि आई गेट, और उसके बाद गेट के बाद क्या यूज कर रहे हैं, हमें क्या काम करवा रहे हैं, क्या काम है, तो अपने बाल हबीब सलून में कटवाता हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश होगी आई गेट माई हेयर, और फिर आपको यूज करना है यहाँ पे कट, कटवाने के लिए इंग्लिश यहाँ पे कट यूज करेंगे, क्योंकि कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, कटेड नहीं हो सकती है। तो आई गेट माई हेयर कट एट हबीब सलून। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं हम लोग सेंटेंस, मैं अपने कपड़े धोबी से धुलवाता हूँ, तो यहाँ पे भी इंग्लिश क्या होगी, मैं अपने कपड़े धोबी से धुलवाता हूँ, तो आई गेट, और उसके बाद गेट के बाद क्या है, मैं अपने कपड़ों की बात कर रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश क्या बोलूंगा, आई गेट माई क्लोज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए यहाँ पे, तो धोबी से धुलवाना एक इंग्लिश धुलवाना वर्ब है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब को ना धुलवाना, तो यहाँ पे वॉश अगर यूज करते हैं तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड, तो आई गेट माई क्लोज वॉश्ड बाय द वॉशरमैन, बाय द वॉशरमैन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं कमरे अपने नौकर से साफ करवाता हूँ, तो यहाँ पे भी यही चीज है, आई और आई के बाद क्या यूज करूंगा, गेट, आई गेट, उसके बाद क्या है, अपने कमरे की बात कर रहा हूं मैं, तो आई गेट माई रूम्स, आई गेट माई रूम्स, और इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, साफ करवाना, तो आई गेट माई रूम्स क्लीन्ड, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन, किससे, नौकर से, तो बाय द अपने कपड़े धोबी से धुलवाता है, तो यहाँ पे वह है तो ही यूज करेंगे, अब ही के साथ यहाँ पे गेट को गेट्स में बदल देना है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अब गेट है तो थर्ड पर्सन के हिसाब से हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फिफ्थ फॉर्म, तो ही गेट्स, उसके बाद क्या है, समबडी समथिंग, मतलब क्या काम, ये किसी आदमी के लिए कुछ काम करवा रहा है या कोई काम करवा रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वह अपने कपड़े धोबी से धुलवाता है, तो कपड़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही गेट्स हिज क्लोज, ही गेट्स हिज क्लोज, अब वर्ब या एक्शन क्या है, धुलवाना, तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड, तो ही गेट्स हिज क्लोज वॉश्ड, अब किससे, धोबी से, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश यहाँ पे, बाय द वॉशरमैन। नेक्स्ट फ्रेंड ऐसे ही सेंटेंस अगर हम देखते हैं, मैं अपना काम
अपने भाई से करवाता हूँ तो इंग्लिश क्या बोलूंगा, आई गेट माई वर्क डन बाई माई ब्रदर, या फिर मैंने सेंटेंस बोला कि मैं ये काम अपने नौकर से करवाता हूँ तो आई गेट दिस वर्क डन बाई माई सर्वेंट। तो ऐसे सेंटेंस करने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों को गेट का यूज करना है। फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट है और यहाँ पे गेट यूज करना है, गेट के बाद somebody something यूज कर सकते हैं एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, मतलब एस या ईएस। अगर डायरेक्टली कोई वर्ब है, जैसे मैंने कहा मैं ये काम खुद करता हूँ तो आई डू दिस वर्क, मैं अपने बाल काटता हूँ, अगर ऐसा कुछ है सेंटेंस सिचुएशन ऐसा है तो ठीक है आई कट माई हेयर। लेकिन अगर है कि मैं अपने बाल कटवाता हूँ किसी के द्वारा, तो आपको इंग्लिश क्या बोलना है फिर यहाँ पे, आई गेट माई हेयर कट बाय द वर्ब, या बाय कुछ भी आगे ऐड कर सकते हैं, ऐड और कौन से सलून में, तो वहां पे आप आगे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे आपने कहा कि वह कपड़े धोता है तो ठीक है ही वॉशेस क्लॉथ्स, लेकिन अगर सेंटेंस है कि वह अपने कपड़े धुलवाता है तो फिर आपको इंग्लिश बोलना है ही गेट्स हिज क्लॉथ्स वॉश्ड बाय एनीवन, किसी के द्वारा भी। तो ऐसे सेंटेंस कुछ करवाने के लिए हम लोग को यूज करना है गेट एंड समबडी समथिंग एंड वर्क की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सिर्फ यहाँ पे गेट होने की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि गेट यहाँ पे क्या है, कॉजेटिव वर्ब है, एक कॉज कारण रीजन बन रहा है, किसी से कोई काम करवाया जा रहा है तो फिर वहां पे हम लोग गेट का यूज कर रहे हैं और समबडी समथिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से आप कुछ हिंदी सेंटेंस और ले सकते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अगर आप गेट यूज नहीं करते हैं और सेंटेंस कुछ डिफरेंट तरीके से आप खुद एक्शन मतलब डायरेक्टली एक्शन को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर सेंटेंस बिल्कुल बदल जाता है। फ्रेंड अगर आपको बोलना है जैसे कि मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई गेट माई कार रिपेयर्ड या आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड। और अगर आपने ये बोल दिया कि आई रिपेयर माई बाइक, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं बाइक रिपेयर करता हूं। और जबकि आपको बोलना है कि मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं कहीं पर भी किसी मैकेनिक से, किसी मैकेनिक के द्वारा, तो फिर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में गेट यूज करना है, आई गेट माई बाइक या आई गेट माई कार रिपेयर्ड बोलना है आपको। अगर आप गेट माई कार रिपेयर्ड नहीं बोलते हैं, अगर सेंटेंस बोल दिया आपने कि आई रिपेयर माई कार, तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होगा कि मैं अपनी बाइक रिपेयर करता हूँ, आप खुद करते हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो फिर आपको बोलना है कि आई गेट माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह पर। या फिर आपने कहा कि मैं अपनी कार को सर्विस करवाता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई गेट माई कार सर्विस्ड। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं उसे पिटवा देता हूँ, किसी पर्सन की बात हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, आई गेट हिम बीटन। ठीक है, किसी आदमी को किसी से पिटवाना, जैसे आपने कहा कि मैं उसे सजा दिलवाता हूँ हमेशा, तो आप क्या बोलेंगे, आई गेट हिम पनिश्ड बाई हिज फादर बाई हिज ब्रदर बाई एनी वन, किसी के द्वारा भी। तो ऐसे सेंटेंस करने के लिए हम लोगों को फ्रेंड्स गेट का यूज करना होता है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे।